आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमने कोकोनट के निकाली थी और उसके पत्ते हमने यहाँ पे थोड़े ले लिए थे, अभी भी कई सारे पत्ते उसमें पड़े हैं और हम उसमें चलाने वाले हैं अपना परिश्रम मशीन। तो हमने यहाँ पे अपना परिश्रम मशीन ले आ चुके हैं, तो अब बस स्टार्ट ही करना है। तो चलो इस साइड, हमें इस साइड ऊपर से उसके पत्ते के भूके को यहाँ से आने देना है। तो पहले इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ से सारा भूका जाएगा और यहाँ इस साइड बंद कर देना है। तो इसको बंद कर देंगे अब अच्छे से, फिर चलाएंगे। तो हमने इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर दिया है, तो अब यहाँ से पत्ते इसमें डालेंगे और पत्ते को कटिंग करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा कहाँ पे दिक्कत है। जो फाइनली जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो चुकी है। सूखे पत्ते का तो हमने कई बार वीडियो आपको दिखा दिया है, हमें नीले पत्ते हैं जो कोकोनट निकाले थे हमने, उसके फ्रेश पत्ते। कई बार तो हमने सूखे पत्तों को इकट्ठा करके परिश्रम मशीन या साफ साफ कटर में डाला था। अब तो हमें गाइस फाइनली हमने इतने सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे कोकोनट के पत्ते थे उसको यहाँ पेस्ट कर दिया है। बस अब थोड़े से ही बचे हैं और हमारा ये मशीन, परिश्रम मशीन, बहुत तेज़ी से हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है। तो थोड़ी 2 मिनट का ब्रेक लेके फिर इसको, ये पत्ते को फिर से स्टार्ट कर देंगे। इसमें डालने से वहाँ उसमें ब्लेड होती है यहाँ बीच में, जो आपको दिखाई दे रही होगी शायद, उससे कटिंग होता है। और आप देख सकते हो हमने कितना सारा कोकोनट के पत्ते का भुक्का, इसका पेस्ट करके यहाँ पे हमने एक और दो छोटे छोटे ढेर कर दिए हैं। आप इस परिश्रम मशीन की ताकत देख सकते हो, कितने उसने बारीकों से कटिंग किया है। आप देख सकते हो ये छोटा हो या बड़ा, ये पत्ते का जो मोटाई वाला पार्ट होता है ये होता है, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर देता है परिश्रम मशीन। बस हम शाम होने ही वाले हैं, 6 बजे है फिलहाल, अभी सूर्यास्त हो रहा है, आप देख सकते हो कि वीडियो में। तो चलो फिर से स्टार्ट कर देते हैं।